थोड़ा चौड़ा ही दिया जाएगा। तो ये देख सकते हैं यहाँ चार से ज़्यादा ही दिया गया है, क्योंकि ये लेयर रहेगा फिर ये लेयर है, इसके बाहर लेयर नहीं रहेगा। नमस्कार दोस्तों, हमारे ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज रिंग भट्ठे का एक ट्रिप ईंट निकला हुआ है, तो देखते हैं किस प्रकार की अंदर की ईंट आती हैं। तो चलिए हम आपको वीडियो से दिखाते हैं। तो गाइस ये देख सकते हैं, एक ट्रिप निकलने के बाद यानी 2000 ईंट निकलने के बाद अंदर की जो ईंट आई हैं तो काफ़ी अच्छी आई हुई हैं। बाहरी वाला जो घेरा था तो उससे काफ़ी अच्छी ईंट अंदर की आई हुई है। यहाँ का आवाज़ इस प्रकार है कुछ, तो अंदर की जैसे ईंट निकलने लगती हैं तो काफ़ी अच्छी ईंट आने लगती है रिंग भट्ठे का भी, और जैसे जैसे अंदर की और ईंट आएंगे तो वो भी काफ़ी अच्छी तरीके की आएंगी। और गाइस ये वाला जो रिंग भट्टा है इसमें आग डाल गई है, इसको कल शाम को ही डाला गया था। तो ये देख सकते हैं इसमें आग चल रही है, तो ये धुआं निकल रहा है यहाँ पर से ये। तो इसमें पर्दे से ही आग डाली गई है, और पर्दे से भी आग डाला जाता है, और बीच से भी डाल सकते हैं, लेकिन पर्दे से ही आग अक्सर रिंग भट्टे में पर्दे की तरफ से अंदर की ओर आग जाती है। तो इसको इतनी हाइट तक किया गया है, और ये ऊपर वाला अधूरा ही है, उसको अभी पूरा करेगा क्योंकि अभी आग वहाँ तक पहुँची नहीं है। तो ये आज तक में पूरा हो जाएगा। और ये पर्दे के लिए ईंट यहाँ पर रखी हुई हैं, जैसे पर्दा कम पड़ेगा तो। और ये टुकड़े पुकड़े हैं जो इस पिछले वाला भट्टा था तो उसमें कुछ टूट आया था, तो ये इतना हो गया है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर जल रहा है। तो ये चारों तरफ से इसी लेवल पे पर्दा डल गया है इतनी हाइट पे। तो इस बार का पर्दा थोड़ा चौड़ा दिया गया है, चार चार उंगली से ज़्यादा, क्योंकि अभी का वक्त मानसून का है, क्योंकि अभी आंधी तूफान आना इजी बात है, तो इसलिए इसको थोड़ा चौड़ा ही दिया गया है। क्योंकि यदि मौसम ख़राब भी होता है या पानी भी गिरता है थोड़ा चौड़ा रहेगा तो ये कुछ नहीं होगा। यदि पानी का सीज़न नहीं रहता या आंधी तूफान का सीज़न नहीं रहता तो इतना कम रहता तो भी ये एडजस्ट रहता, लेकिन अभी के वक्त में इसको चार उंगली से ज़्यादा ही दिया गया है, क्योंकि अभी के वक्त में आंधी तूफान आना कॉमन सी बात है, कोई भी दिन आ सकता है। इसको इतनी हाइट तक किया गया है ताकि आग भी यहीं पर तक है नीचे में। और ये ईंट बच गई है तो ये रिंग भट्टे के लिए है, इसी पर्दे के लिए, और ऊपर में भी भूसा भर दिया गया है। और ये देख सकते हैं यहाँ का जो फड़ी है तो पूरी तरह खाली है, क्योंकि जितनी ईंट सूखती थी तो इसको इसी रिंग भट्टे में डाल दिया जाता था। तो ये देख सकते हैं पूरी फड़ी खाली है, क्योंकि मौसम ख़राब होता रहता है तो ईंट को इसमें रखा नहीं जाता। और ये इतनी ईंट बच गई तो इसको भी उधर ही साइड में कर दिया जाएगा, और मिट्टी बनाने का भी काम, ये देखते मिट्टी बनी हुई है और पूरा जगह खाली है। यहाँ पर जो ईंट थी तो सुबह ही उड़ गई है, और वो यहाँ पर भी मिट्टी बची हुई है। तो वो भट्टा भी निकल रहा है कहा जाए तो, और ये भट्टा अब जारी हो गया तो इसमें आग डल गई तो ये भी पकना स्टार्ट होगा। तो इसको भी करीबन एक हफ्ते दो हफ्ते तक लग जाएगा पकने में, यदि मौसम सही रहा तो, नहीं तो फिर ज़्यादा दिन लग जाता है, क्योंकि पानी गिरता है तो आग थोड़ा धीरी हो धीमी गति से चलने लगती है। तो ये देख सकते हैं जो नीचे का घोड़ा है तो इसको पक्की ईंट का लगाया गया है ये वाला जो है, क्योंकि यदि बारिश होती है तो ये नहीं घुलेगा, और यदि इसको नीचे रख दिया जाए तो घुलता है, तो घुलने की वजह से इधर ये गिर सकता है, इसलिए इसको पक्की ईंट का लगाया गया है नीचे बस का, जिससे ये गिरे ना कितना भी पानी गिर दे। अब एकदम ज़्यादा ही गिरेगा तब तो गिरेगा ही, लेकिन यदि हल्का फुल्का गिरता है तो ये ऊपर वाला भाग में है, यहाँ देखते हैं ये ऊपर भी है राख में है, भाई इतना पानी तो भरेगा नहीं वहाँ पर। तो इस प्रकार इसको लगाया गया है मौसम को देखते हुए। और गाइस ये एक ट्रिप भूसा लाया गया है जो अभी इसमें लोड ही है, इसको शाम के खाली करने का, क्योंकि अभी आते आते इसको धूप हो गई है, करीबन दो बज गए हैं, तो ये भी लोड ही है, इसको शाम को खाली करना पड़ेगा। तो गाइस अभी हम आपको दूसरे रिंग भट्ठे में ले जाते हैं, क्योंकि उसमें कभी करीबन दो तीन ट्रिप निकला हुआ है, तो देखते हैं उस भट्ठे की किस प्रकार की ईंट आई हुई है एवं ईंट की क्वालिटी क्या है।
तो गाइस ये देख सकते हैं, ये भी भट्ठा खुल गया है इसका। देख सकते हैं इसमें का पर्दा पूरी तरह नहीं हटाया गया है, लेकिन भरने के लिए बस निकाल दिया गया है। जितना एक ट्रिप का काम था तो उतना निकाल दिया गया, इसको बाद में निकाल दिया जाएगा। तो ये देख सकते हैं इसकी ईंट करीबन ये 3 लेयर का निकला हुआ है एक ट्रैक्टर में। तो ये भी काफ़ी अच्छा आया हुआ है, ये ईंट रखी हुई है। तो गर्मी के दिन में यदि ईंट सूखी रहती है तो काफ़ी अच्छा था रिंग भट्ठे का। आइए देखते हैं, इसमें कभी जैसे बाहरी घेरा रहता है तो थोड़ा हल्का मंदा आता है पर्दे की अपेक्षा से, लेकिन जैसे ही अंदर का आता है तो अंदर का देख सकते हैं काफ़ी अच्छी ईंट आती हुई। इस साइड से भी खुल गया है, ये देख सकते हैं इधर से, इधर से काफ़ी अच्छी ईंट दिख रही है। देख सकते हैं तीसरे लेयर में ये ईंट कुछ इस प्रकार आई हुई है, जो कि काफ़ी अच्छी हुई है। तो बीच की ईंट काफ़ी अच्छी आती है, जैसे कि पहला लेयर जो होता था थोड़ा मंदा ही आता है और दूसरा तीसरा लेयर काफ़ी अच्छा था। तो इसको जितना बड़ा हो सके उतना अच्छा, जितना बड़ा लेयर हो सके उतना अच्छा लगाया जाए, तो काफ़ी अच्छी ईंट आती है बीच की। तो इसकी आवाज़ ही तो देख सकते हैं इसकी आवाज़ किस प्रकार है, जबकि पहले लेयर का आवाज़ कुछ इस प्रकार रहता है, मतलब वो भी ठीक रहता है लेकिन थोड़ा मंदा दिखता है, कलर उतना लाल नहीं दिखता। और लाल तो अंदर का लेयर अच्छा रहता है, जैसे कि ये लेयर कम रहेगा उससे ज़्यादा ये, उससे ज़्यादा ये, इससे ज़्यादा भी रहेगा इसके अंदर वाली ईंट। तो ये करीबन 7 लेयर का होगा, तो 7 लेयर में इस प्रकार आए, जिसको जितना लेयर लिया जाए 6, 7, 8, 9, 10 तो काफ़ी अच्छा रहता है। इसी प्रकार ठीक इसी प्रकार इस साइड भी है, देख सकते हैं यहाँ पर करीबन 2 ट्रैक्टर निकला होगा। और गाइस इस साइड का तो काम बंद हो गया है, क्योंकि इस साइड अब पत्थर का काम नहीं है। और जो ईंट बची थी या जो ईंट कुछ बची थी तो इसको यहाँ लगाया जा रहा है। ये देख सकते हैं ये ज़्यादा बड़ा भट्ठा होगा नहीं, करीबन ये 10-12 ही हज़ार का होगा रिंग भट्ठा। तो इसको जितना होगा तो उतना लगा के इसमें आग डाल दिया जाएगा। तो ये देख सकते हैं इसकी हाइट भी ज़्यादा नहीं की जा रही, इसकी हाइट करीबन 10-12 तक होगी। वैसे तो 20-22 तक किया जाता है, लेकिन ईंट ज़्यादा नहीं है इसलिए 10-12 तक ही करके इसको छोड़ दिया जाएगा। और ये जो पर्दे की ईंट है कुछ ख़राब, इसको उसी में लगा दिया जाएगा। तो गाइस ये तीसरा लेयर में ही इस अंदर की ईंट जो है तो इस प्रकार आ गई है, काफ़ी अच्छी से ईंट आई हुई है, क्योंकि ये निकल नहीं सकती यहाँ पर से, क्योंकि ये एक दूसरे पर बनते हुए जाती हैं, तो ये निकलेंगी नहीं कहीं पर की। तो यहाँ पर की आप देख सकते हैं साइज़ कितना है, अभी भी ये देख सकते हैं ये जो हॉल है भूसा डालने का, तो ये देख सकते हैं कहीं पर कम ज़्यादा, कहीं पर कम ज़्यादा होते रहते हैं इसे। और इस प्रकार यहाँ पर भी सेम साइज़ में इसको भी दिया गया है, लेकिन जैसे ही अंदर ईंट जाते हैं लेयर अंदर जाता है तो काफ़ी अच्छी ईंट आने लगती हैं। और ठीक इसी प्रकार इस साइड का भी है, इस साइड का भी 3 लेयर है, 3 लेयर के बाद ये देख सकते हैं ईंट काफ़ी अच्छी आई हुई है। और गाइस टूट का इसमें नहीं है टूट उतना, क्योंकि ईंट सूखी हुई है, ईंट यदि सूखी रहेंगी तो टूट बहुत कम आता है। यदि ईंट कच्ची डली जाए या गीली ईंट तो इस प्रकार ये टूट भी सकता है, दरारें ले सकती हैं। इस भट्ठे को लगाया जा रहा है, तब इसमें जितनी भी ईंट बचे रहेंगी, जैसे जो झुग्गी झोपड़ी का जो बनाया जाता है, या फिर उस भट्ठे का जो पर्दे की ईंट होती है, जो कुछ सही ईंट होती है, या फिर जो बच जाती है, तो इसको लगाया जा रहा है। तो ये करीबन 10-11-12 हज़ार तक का ही ये भट्ठा होगा रिंग भट्ठा। तो ये देख सकते हैं क्योंकि ये छोटा भट्ठा है तो इसका जो चौड़ाई है तो इसको कुछ ज़्यादा ही दिया जा रहा है, क्योंकि छोटा भट्ठा में थोड़ा भूसा ज़्यादा जाना चाहिए। छोटा भट्ठा में कहा भी जाता है छोटा भट्ठा जितना डालोगे तो उसमें ज़्यादा ही भूसा लगेगा बड़े भट्ठे ठेके अपेक्षा। उस भट्ठे में जितना बड़ा रहता है भट्ठा तो उसमें कम ही लगता है, क्योंकि ये छोटा लेयर है तो इसमें थोड़ा चौड़ा से दिया जाएगा, क्योंकि बाहर से और यदि लेयर रहता तो यहाँ के बीच के लेयर को कम किया जा सकता था, लेकिन ये इतना ही लेयर रहेगा इसलिए थोड़ा चौड़ा ही दिया जाएगा। तो ये देख सकते हैं यहाँ 4 से ज़्यादा ही दिया गया है, क्योंकि ये लेयर रहेगा फिर ये लेयर है, इसके बाहर लेयर नहीं रहेगा, तो इसको थोड़ा चौड़ा ही दिया गया है। और इसकी हाइट भी देख सकते हैं 15 ही तक दिया गया है, जबकि उस वाले भट्ठे के 22 तक दिया गया है, क्योंकि इसके लिए ज़्यादा ईंट है नहीं। तो इस प्रकार जो भी ईंट बच रही है उसको लगाया जा रहा है, 12-15 जितना भी ईंट आएगा तो उसको लगा दिया जाए। तो इस प्रकार रिंग भट्ठा है तो इसमें भूसा बस तो डालना है तो ये पूरी तरह पक जाएगा, बस बात इतनी रहती है कि इस प्रकार के छोटे भट्ठे में थोड़ा भूसा ज़्यादा लगता है इसके अपेक्षा। यदि इस वाले भट्ठे में ये जो इस भट्ठा है तो इसमें यदि 12 टन यदि भूसा लगता है, 12 टन या 6 टन जो भी लगता हो, तो उसका आधा इसमें लगेगा, आधा से थोड़ा ज़्यादा लगेगा,
क्योंकि ये छोटा है, तो छोटा में थोड़ा भूसा ज़्यादा ही लगता है क्योंकि आग बनाने में टाइम लगता है, क्योंकि छोटा भट्ठा रहेगा तो उसमें ज़्यादा छोटा रहता है, तो आग को रुकने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। तो थोड़ा हॉल यदि ज़्यादा दिया जाएगा तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा, यदि और लेयर होता बाहर से तो नहीं लगता, क्योंकि ये छोटा लेयर है तो इसके लिए थोड़ा चौड़ा ही दिया गया है। तो इस प्रकार ये देख सकते हैं 10-12 हज़ार का भी ईंट लगा सकते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि किसी के पास यदि बजट नहीं है और ईंट बनाने आता है तो इस प्रकार लगा के वो 10-12 हज़ार तक भी ईंट पका सकता है रिंग भट्ठे से आसानी से, ज़्यादा हाइट भी नहीं किया जा सकता इसमें, लेकिन थोड़ा भूसा ज़्यादा लगता है इस प्रकार। गाइस यदि बात आती है कि इस प्रकार की यदि भट्ठा कोई नया लगा रहा है या इसका हॉल या चौड़ाई ज़्यादा हो गई तो उस वक्त में क्या किया जाए, तो गाइस उस वक्त में यदि चौड़ाई ज़्यादा भी हो जाती है या कहीं पर इधर उधर हो गया तो चौड़ा हो गया, तो उस वक्त आप यदि आपके पास जैसे उन्हारी जैसे खेती की जाती है, तो जैसे कुछ सरसों का या फिर बटर का या फिर कुछ भी ऐसा चीज़ जो बचा हुआ रहता है, जैसे तीवरा तीवरा भूसा हो गया, चना भूसा हो गया, इसको भी मिक्स करके इसमें भूसे के साथ आधा आधा करके डाल सकते हैं 50-50, तो ये कवर हो जाता है, मतलब इसका ये भरना चाहिए, क्योंकि जब तक ये भरेगा नहीं तब तक आप ऊपर भूसा डाल ही नहीं सकते। भरते भरते यदि फूल होगा तभी तो ऊपर वाला भूसा जलेगा। इस प्रकार यदि भूसा ही भूसा डालोगे तो भूसा ज़्यादा लग सकता है, तो उसमें यदि ज़्यादा हॉल हो जाता है तब आप मिक्स करके डाल सकते हैं, जिससे वो करके आधा आधा पड़ सके। यदि भूसा ही बस डालोगे तो ज़्यादा लग जाएगा और भूसा काफ़ी महंगा भी रहता है, तो इस प्रकार में आप दोनों को मिक्स करके डाल सकते हैं यदि ज़्यादा हो जाता है तो। गाइस बात ये आती है कि यदि इसमें भूसा ना डाला जाए, जैसे पेरेंसी होती है धान का जो बारीक टूटन होता है, और या चने का या तिवरा भूसा या फिर अदर कुछ, जैसे चने भूसे का हो गया बारीक टूटन होता है, तिवरे भूसे का बारीक टूटन होता है, या धान का बारीक टूटन होता है, उसको भी यदि इसमें डाला जाए तो ईंट पकेगी कि नहीं पकेगी, तो उसमें भी गाइस ईंट पक तो जाती है, लेकिन क्या होता है कि वो बैठने ज़्यादा लगता है, जैसे ही जलता है तो पूरी तरह राख होकर नीचे हो जाता है, और यदि भूसा डाला जाता है तो भूसा भी बैठता है लेकिन उतना नहीं बैठता। यदि दोनों को मिक्स करके डाला जाए, थोड़ा हॉल ज़्यादा दिया जाए, क्योंकि भूसा ज़्यादा जलता है, ज़्यादा जलने में सहायक होता है, और जबकि अदर वाले जो होते हैं तो वो भी जलते हैं लेकिन वो जलने के बाद पूरी तरह राख हो जाते हैं, और राख हो जाने के बाद पूरी तरह बैठ जाएंगे, तो उसमें डालते जाओगे तो बैठते जाएगा, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा वो मान लग जाता है, लेकिन भूसा आधा बढ़ता है। जैसे यदि आप फूल कर दिए रिंग को तो जलते जलते आधा में आके पूरी तरह रुक जाएगा, मतलब आधा जल जाएगा और फिर उससे नीचे नहीं बैठेगा, लेकिन जबकि वो वाला जो पेरेंसी होता है धान का बारीक टूटन या फिर अदर कुछ भी हो तो पूरी तरह जल जाता है, मतलब वो ज़्यादा बैठता है। तो यदि दोनों को मिक्स करके डाला जाए तो दोनों चल सकते हैं, लेकिन हॉल का साइज़ थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा, 4-5 उंगली तक देना पड़ेगा। जैसे ही पूरा होगा ये वाला लेयर पूरा होगा तो इसमें पर्दा लगा के इसमें आग डाल दिया जाएगा, क्योंकि इसके लिए ज़्यादा ईंट है ही नहीं। ये जो ईंट बची हुई है ये बगल वाली और ये पर्दे की, ये ईंट जाएंगी इसमें और फिर इसको पूरा करके इसमें भूसा भर के इसमें आग डाल दिया जाएगा। तो गाइस इस भट्ठे की ईंट उतना हार्ड जितना इतनी तेज़ नहीं आएंगे जिस प्रकार इतना है, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा बड़ा भट्ठा है, बड़ा भट्ठा है एवं ज़्यादा लेयर का है, तो ये कम लेयर का है तो उतना तेज़ नहीं आएंगे, लेकिन एक मीडियम क्वालिटी की ईंट अच्छी तरह से आ जाएंगी। और यदि इसी का लेयर बढ़ा दिया जाए, 2-3 लेयर और 4-5 लेयर और कर दिया जाए तो काफ़ी अच्छी ईंट आ जाती हैं इसी भट्ठे में। तो ये छोटा लेयर रहेगा तो थोड़ा ईंट मंदा, जिस प्रकार इसमें कि बाहरी लेयर का ईंट थोड़ा मंदा रहता है, ठीक उसी प्रकार इसमें कभी बाहरी लेयर का कुछ मंदा होगा, थोड़ा सा बीच का ईंट थोड़ा अच्छी क्वालिटी का आएगा, मतलब थोड़ा कलर भरा, क्योंकि छोटा ही भट्ठा है, लेकिन ऐसे ईंट बढ़िया वैसे 1 नंबर 2 नंबर में 1 नंबर ईंट आएगी। ऐसे यही भूसा डाल दिया जाएगा, ये देख सकते हैं यहाँ पर बचा हुआ है इधर बिखरा उखरा, इसी को सकेल के उसमें भर दिया जाएगा, जैसे थोड़ा बहुत लगेगा तो उसको डाल दिया जाएगा, इधर भी है और इधर भी है, तो ये व्यर्थ माल है। इसके लिए अब इतना 10-12 हज़ार ईंट के लिए तो कोयला या फिर लकड़ी लाना नहीं पड़ेगा, रिंग भट्ठा डाल के आप इसको इजी तरीके से पका सकते हैं। यदि बड़ा होता 50-60 हज़ार का तो कोयला ला सकते थे, भूसा लकड़ी ला सकते हैं, लेकिन 10-12 हज़ार के लिए ये रिंग भट्ठा काफ़ी अच्छा रहेगा। दोस्तों रिंग भट्ठे से संबंधित यदि कोई भी जानकारी हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपको इसी प्रकार का और वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।